गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एस के स्टडी में। इसमें हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और आप लोग के लिए स्टूडेंट इतने दिनों बाद वीडियो डालने के लिए सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा सा गमी हो गई थी, मेरे यहाँ चाचा जी ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो इसी के लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। और आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। आज क्या करते हैं, आपकी करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या होने चाहिए, आपके पास एक कॉपी और एक पेन होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आप लोगों की ऐसी अच्छाई बनी रहे, और इसके लिए आप लोग अच्छे से, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों के साथ मैं हूँ, मेरा नाम है सुशांत कश्यप, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। और आप लोगों के लिए क्या है, करंट अफेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करंट अफेयर में बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके तहत क्या करते हैं, पहला हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। राम सर टैग में, रामसर टैग में क्या हुआ, भारत के दस और दस साइटों को जोड़ा गया, जोड़ा गया। अब आप सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि रामसर टैग क्या है, ठीक है। रामसर टैग क्या है, रामसर टैग वो है इसके तहत क्या हो रहा है, जो बाहर के, जो विदेश में क्या हो रहा है, विदेश में एक रामसर टैग जो नाम से एक भारत में क्या चल रहा है, एक टैग चल रहा है, जिसमें क्या होता है, भारत की ऐसी ऐसी साइटों को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जिनको भविष्य के लिए इनको अच्छे अभ्यारण या किसी प्रकार के लिए लोगों के लिए एक पर्यटन का क्षेत्र बनाया जा सके और आने वाले भविष्य में इनको बचाया जा सके। इसके लिए क्या किया गया, रामसर टैग नामक एक नाम चुना गया, जिसके तहत भारत के 10 साइटों को क्या किया गया, जोड़ा गया। इसके तहत क्या किया, भारत की 10 साइटों को जोड़ा गया, जो जो भारतीय है, ये साइड है, कौन सी है, ये साइड है, इनका नाम है भारतीय बैट लैंड साइडों को जोड़ा गया। इसमें कौन सी, बैट लैंड साइडों को क्या किया गया, इसके तहत जोड़ा गया। इसके तहत अब आपको सबसे ज़्यादा इसके डीपली आपको चीज़ बताते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, आप लोग अपने करियर के लिए ध्यान दीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों का करियर बना दूंगा, ठीक है। इतना मैं आपसे ट्रस्टेबल मैं कह सकता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसको देखते हुए इसके तहत 10 साइडों में कितना हेक्टेयर ज़मीन है, ये इसमें आइए 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र में है। कितनी साइड हैं, ये 10 साइड हैं, ठीक है। 10 साइडों को जोड़ा गया बेटर लैंड से, और इस 10 के अंदर कितनी 64 साइटों, मतलब कि एक तरह से कहा जाए, ये मोटे तौर पर 10 दिखाया गया, मगर इन मोटे तौर पर 10 साइड, एक तरह ऐसा तो नहीं कि हाँ भैया एक कोने को चुन लिया, नहीं, आप पूरी जगह को चुनोगे ना, तो उस जगह को अंदर मतलब 10 जगहों को मिलाकर कुल कितनी साइड है, यहाँ पे 64 साइडों को जोड़ा गया, जो क्या होगा इनके लिए भविष्य के लिए अपने ये क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, इसको क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, कितने अपने भविष्य के लिए इस चीज़ को सुरक्षित करेंगे। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर, हमने आपकी ये बात भी मान ली, ठीक है, मगर आप पूरी तरह से बताइए ना कि मतलब इसको किस तरह से विस्तारित रूप से, ठीक है। तो इसके तहत मैं बताता हूँ कि इसमें 5 जुलाई में क्या हुआ था, 5 वेटलैंड ने सम्मान मान्यता प्राप्त की। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 5 जुलाई को क्या हुआ था, जो साइडें चुनी गई थी भारत में पहले, मतलब इससे पहले जो साइडें चुनी गई थी उसको 5 जुलाई को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, सम्मान मान्यता दी गई कि हाँ भैया ये बहुत अच्छी जगह है, किसके लिए, हमारे राम सागर,
राम सर टैग के लिए क्या है, बहुत अच्छी जगह, इसके लिए क्या किया गया, 5 जगहों को सम्मानित भी कर चुके हैं। किसके लिए? बैट लैंड के तहत क्या किया गया, बैट लैंड में 5 साइडों को क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया, साइडों को सम्मानित भी किया गया। और इसके तहत तमिलनाडु में अभी कौन कौन सी जगह ली गई हैं, ये ली गई हैं तमिलनाडु में 6, गोवा, कर्नाटक, देखिए आपका शहर भी होगा इसमें कोई, गोवा, कर्नाटक, एमपी और उड़ीसा, ठीक है, इनसे क्या ली गई है, इनसे 1, 1, 1, 1, इन चारों से 1-1, और तमिलनाडु से कितनी, 6 जगहों को लिया गया है। मतलब इसके तहत क्या किया गया, भारत को एक खूबसूरत जगह के रूप में क्या किया गया, बहुत अच्छी खूबसूरत। देखिए स्टूडेंट, आप लोग आप हमारे साथ बने रहोगे तो आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और ज़्यादा फोकस करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपका क्या करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके, और आप लोगों को इतना अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को विस्तारित रूप से कहीं और ना जाना पड़े, करंट अफेयर के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, क्या 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 नहीं किया जा सके, कहीं और ना जाया जा सके, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग के लिए क्या करते हैं, अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर क्या करते हैं, पल्लू चलते हैं, और आप लोगों के साथ जो नए स्टूडेंट बने उनको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या कर दीजिए, बोल दीजिए, ठीक है, क्या करने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए क्या कर दीजिए, उनसे बोल दीजिए। और आप लोग तो समझदार हो यार, आप लोग तो समझदार हो, हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत समझदार हैं और वो लाइक शेयर खुद कर देंगे बिना बोले। क्या कर देंगे, लाइक एंड शेयर कर देंगे वो बिना हमारे बोले। इतने अच्छे स्टूडेंट हमारे कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। रूस बना, आप देखिए रूस, देश विदेश की न्यूज, ठीक है, रूस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता क्या बना, रूस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। इस चीज़ का खुलासा किया गया है कि रूस बना, ये क्या बना, रूस जो बना हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है, ठीक है, कहाँ पे, जुलाई में। इस चीज़ का डाटा, किस चीज़ के डाटा पे एनालिसिस किया गया, जुलाई में, ठीक है, इस चीज़ के डाटा का एनालिसिस किया गया कि जुलाई में क्या किया गया, सबसे ज़्यादा इसने क्या किया, कोयले का आयात किया, कितना आयात किया यहाँ से, कितना आयात किया इन्होंने, 2.06 मिलियन टन, ठीक है, कितना आयात किया इन्होंने, इन्होंने आयात किया 2.06 मिलियन टन, मतलब 2.60 मिलियन टन, मतलब कि 2 मिलियन टन क्या किया इन्होंने कोयले का, क्या किया, आयात किया, किसने किया, ये रूस ने किया, भारत क्या बना सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता जुलाई में, ठीक है, उपभोक्ता, और ठीक है, उपभोक्ता मतलब खुद उपभोग कर रहा है, मतलब आयात किया कहाँ से, रूस से आयात किया, किसने किया, भारत ने किया, और कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। यह जून की तुलना में यह जून की तुलना में कितना है, 5 गुना है, कितना, जून की तुलना में कौन सा ये 5 गुना है, जो कि क्या किया गया, आयात किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा आयात किया गया, इससे पहले, और इसके मतलब इसकी तुलना मतलब तीसरा उपभोक्ता बना, तो इसमें तहत आपको बताते हैं, इसके पहले इंडोनेशिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका,
और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत। ठीक है, मतलब ये चार राज्य हैं जिसने क्या किया, मतलब चार ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, कोयला उपभोक्ता के रूप में उभर रहे हैं। कौन कौन से? और रूस बना भारत का तीसरा सबसे कोयला उपभोक्ता जुलाई में। ठीक है, कितना आयात किया? 2.06 मिलियन टन। ठीक है, जून की तुलना में कितना? 5 गुना था ये। और ये इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्या है, भारत के क्या है जी, उपभोक्ता के रूप में क्या है, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। कौन से भारत के उपभोक्ता के रूप में? कौन से? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। मगर अभी कौन है फिलहाल में उपभोक्ता? रूस है सबसे बड़ा हमारा उपभोक्ता। कौन से? थर्ड नंबर का क्या है उपभोक्ता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है इस पॉइंट में, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हमको लगता है। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो यार स्टूडेंट, आप लोग कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आया है वो सेना से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, आपका देखिए करियर एक क्या होती है, दो चाहे पहिए होते हैं, एक हम चलाएंगे एक आप चलाओगे। ठीक है, तो क्या होगा आगे जाके आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कि मतलब कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो और आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की और भी ज़्यादा दिक्कतों को झेलना पड़े। हम आपका साथ देंगे, जितना दे सकते हैं उतना साथ देंगे, और जब तक रहोगे तब तक हम आपका साथ देंगे, जब नहीं रहोगे तब भी हम आपका साथ देंगे। बस कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। कभी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे भी आप क्या कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। भारत और अमेरिका, ठीक है, ये इंटरनेशनल सैन्य अभ्यास अक्टूबर में करेंगे। क्या करेंगे? भारत और अमेरिका है वो क्या करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे अक्टूबर में। क्या करेंगे ये लोग? सैन्य अभ्यास करेंगे, और कहाँ पर करेंगे? उत्तराखंड के औली में। उत्तराखंड के औली में क्या करेंगे ये? संयुक्त अभ्यास करेंगे, जिसका अभ्यास का क्या नाम रहेगा? इस अभ्यास का नाम रहेगा मेगा सैन्य अभ्यास। क्या रहेगा इसका नाम? मेगा सैन्य अभ्यास। क्या रहेगा इसका नाम? मेगा सैन्य अभ्यास रहेगा। आप लोग ज़्यादा देखिए, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो ऑन करके सुनते रहिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो ऑन करके कानों में लगा के सो जाइए और सुनते रहिए, लेट के सुन लीजिए। आप लोग को इतने में क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट क्या होंगे, याद हो जाएंगे। और ये कौन सा? 18वां संस्करण है ये। किसका? 18वां संस्करण है ये। किसका है? युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण है। युद्धाभ्यास का कौन सा? 18वां क्या है ये संस्करण के रूप में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। अब आप कहोगे भैया ये आपका सही है या सर ये आपका सही है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य सबसे बड़ी चीज है। क्या होती है उद्देश्य? सबसे बड़ी चीज होती है कि उद्देश्य है क्या चीज। तो हम क्या करेंगे, इसका उद्देश्य जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसमें आएगा समझ, समझ, संयोग और अंता क्रियाशीलता। अंता क्रियाशीलता, वो बढ़ावा बढ़ाना, अंतः क्रियाशीलता क्या करना, बढ़ावा कन बढ़ाना। और ये कहाँ पे होगा? ये अक्टूबर में अपने यहाँ होगा। कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के औली में हुआ था। अब आप कहोगे कि भैया ये तो ठीक है,
यस सर, ये तो ठीक है कि ये अक्टूबर के ओली अपने होगा, अक्टूबर में ही क्यों होगा, इसका एक ऐसा संस्करण है कि ये हमेशा ही अक्टूबर में होता है। ठीक है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है सैन्य अभ्यास की कि भारत और अमेरिका का ये सैन्य अभ्यास हमेशा क्या होता है, अक्टूबर में होता है। और ये 2021 में कब, 2021 में कब हुआ था, अमेरिका के अलास्का में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका के अलास्का में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका के अलास्का में हुआ था। मतलब कि कहा जाए तो एक अभ्यास के रूप में ये क्या है, एक अपने लिए एक समझने की बात है। अभ्यास को किसमें समझना, संयोग अथा क्रियाशील को बढ़ावा देना, मतलब कि अपनी क्रियाशीलता को क्या करना, बढ़ावा देना, सैनिकों को और अपने भारतीय सैन्य संहिता को क्या करना, विकसित करना, इस चीज़ का क्या है उद्देश्य के रूप में बताया गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वाला पॉइंट समझिए आप लोग। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाइए। ठीक है, देखिए वीडियो पूरी देख के जाइए, भले ही आप लाइक नहीं कीजिए, शेयर नहीं कीजिए, वीडियो पूरी देख के जाइए, आप लोग को अच्छा लगेगा। एमपी बनेगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। एमपी बनेगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। क्या बनेगा, सोलर पावर। आप सोलर पावर प्लांट तो जानते हो ना, सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, सूर्य से रोशनी बनती है, फोटोन द्वारा बनती है। और इसको क्या पढ़ेंगे अपन लोग, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करेंगे अपन लोग, इसको रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यह कितनी बिजली बनाएगा, ये 600 मेगा वाट बिजली पैदा करेगा। कितनी करेगा, 600 मेगावाट क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। और ये कब करेगा, 2022 से 2023 तक किस समय में कितनी करेगा, 600 मेगावाट, बहुत ज़्यादा मतलब बिजली। और जो टाइम पीरियड है जिसमें क्या कर रहा है, इसमें जो और भी क्षमता है उसकी विकसित कर रहा है, या और भी यूनिट क्या होंगी इसकी विकसित करेंगी। मतलब देखिए जैसे छोटे छोटे बैटरी चार्जर होते हैं, इसी तरह क्या होगा, ये 600 मेगावाट क्या करेगा, पहले डीसी करंट बनाएगा। क्या बनेगा, डीसी करंट, फिर इसको एसी में कन्वर्ट करके लोगों को क्या किया जाएगा, इसको यूज़ करने दिया जाएगा। अब पूछोगे भैया या सर ये सब तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसकी लागत कितनी होगी, भैया इसमें पैसा खर्च कितना होगा, इसकी लागत है, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि इसकी लागत कितनी हो सकती है, कुछ 2 4 5, इसकी लागत है 3000 करोड़ रुपए। क्योंकि भैया इतने में तो हम अपना पूरा खुद का बना लेते हैं। हाँ तो वो तो उनका खुद का ही है ना, आप लोगों को थोड़ी ना देगा वो, है ना। इतना बड़ा प्लांट है ये भविष्य के लिए, इसकी रख रखाव के लिए और भी प्रॉब्लम होती है, या किसी भी झील पे जिस चीज़ पे बनाया था उसकी भी क्या किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको साफ़ किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं वो होती हैं। और अभी आप पूछो कि अभी दुनिया, अभी मतलब अभी फ़िलहाल में कौन है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, आप कहोगे भैया अभी भारत का सबसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन है, तो आप कहोगे तेलंगाना। तेलंगाना में क्या स्थित है ये पावर प्लांट, और वर्तमान में कहाँ, तेलंगाना में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, अभी कहाँ पे, ये तेलंगाना में है। और अभी ये क्या है, चालू है, मतलब कि आपको बिजली दे रहा है 600 मेगावाट से, कि तो खैर नहीं 500 आपको पढ़ाया था, नेक्स्ट वाली वीडियो में करंट अफेयर जो रोज पढ़ रहा होगा उसको याद होगा कितनी होगी,
जो करंट अफेयर रोज़ पढ़ रहा होगा उसको सबसे ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट अभी नई नई जुड़े हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को अच्छे से देखिए। अभी सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी कहाँ पे? तेलंगाना में वर्तमान रूप से, और अभी बनने का जा रहा है सबसे बड़ा, ये एमपी में भी बनने जा रहा है, जो 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। क्या करेगा? साल हर दिन क्या करेगा? 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और 22 से 2023 तक क्या होगा, उसका काम पूरा होगा, जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपये क्या इसकी लागत है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया अब आ गया हमें समझ में, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैथ की क्लास की आप लोगों की रुक गई थी, तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहता हूँ कि आप लोगों का बीच में रुक गया, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, उसको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, ठीक है। क्या है आपराधिक क्रिया पहचान अधिनियम? क्या है? शुरुआत 2022 क्या हुआ है? लागू हुआ है। क्या हुआ? आपराधिक पहचान अधिनियम 2022 क्या हुआ है? लागू हुआ है। आप लोग दीदी की सबसे अच्छी क्या बात है इस मेरी वीडियो में, कि आप लोगों को हर चीज़ क्या होती है, एक जगह मिल जाती है ना। आप लोगों क्या होता है, करंट अफेयर पूरी एक जगह मिल जाती है आपको, यहाँ वहाँ नहीं भटकने, या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग सोचते हो चार विकल्प में पढ़ लो, कुछ नहीं होता। आप लोग देखिए पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, विस्तार रूप से, क्या छोटा क्या बड़ा पूरा समझिए ना। कहना हाँ हम पूरा समझेंगे, कहना सर कहना पूरा समझेंगे, तभी तो हमें क्या होगा पेपर में क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्या होंगे आएंगे। अब आपसे पूछ ली जाए कि अपराध प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 क्या हुआ? लागू हुआ। तो आप क्या कहोगे, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा? इसमें ये होगा कि व्यक्ति के शरीर की उचित नाप, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई भी अपराधी होता था तो पकड़ा जाता था, तो क्या होता था कि उसकी शरीर की या किसी प्रकार की क्या नहीं ली जाती थी, व्यक्तिगत जांच नहीं ली जाती थी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, या किस प्रकार से उसको कहाँ प्रॉब्लम है, या उसके शरीर में कहाँ चोट का निशान है, इस प्रकार की जानकारियाँ नहीं ली जाती थी। सिर्फ इतना रखा जाता था कि इसको यहाँ पे कमजोर पॉइंट या इस प्रकार को बताया जाता कि हाँ यहाँ पे गोली लगी, बस इतना इतना थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं लिया था। इसके तहत क्या हुआ, हमारे प्रिय मतलब मंत्री क्या कहा जाए, अमित शाह जी ने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, और मतलब इस चीज़ के ऊपर एक अधिनियम लेके आए, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। कौन सा? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम लेके आए, जिसके तहत व्यक्ति के शरीर की उचित माप लेना, ठीक है। जिसके तहत क्या होगा, शरीर व्यक्ति के शरीर की क्या कहेगी, वो उचित माप लेगा, लेंगे ये लोग, क्या करेंगे पुलिस वाले लोग होंगे, जो व्यक्ति अपराधी होगा उसके क्या लेंगे, उचित माप लेंगे, जिसके साथ हमें आपराधिक आपराधिक मामलों की पहचान कर पाएंगे, मामलों की पहचान कर पाएंगे अच्छे से, मतलब कि कौन अपराधी इस तरह की क्या कर पाएगा, तो वो कर रहा है, ये इसके क्या है, लाभ हैं। और इसके तहत क्या होगा, ये जांच के लिए कि मतलब आगे की जांच करेंगे, तो इसमें क्या हो, हमें दोबारा से उस व्यक्ति से मिलना ना पड़े, उसके रिकॉर्ड देखेंगे और रखा जाए और उसको देख लेंगे, ठीक है, कि कौन व्यक्ति है, रिकॉर्ड को संरक्षण करने में, संरक्षित करने में, ठीक है। क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड को संरक्षित करने में क्या किया जाएगा, इस चीज़ को लागू किया जाएगा कि
हम क्या करेंगे, इसके इनके रिकॉर्ड को रखेंगे और आने वाले समय में इनके द्वारा, इनके किसी व्यक्ति या किसी विशेष के द्वारा, इनके द्वारा द्वारा किए गए पुनः अपराध को, और उसके द्वारा मतलब ऐसे कभी की प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है और कोई निर्दोष पकड़ा जाता है, मतलब इन्होंने अपराध नहीं किया। जैसे एक मत मानिए, जैसे कि आप गए बाजार में, ठीक है, आपने देखा कि एक सामने व्यक्ति रहता है हमारे घर के, वो क्या करता है, चोरी करता है, ठीक है, और किस प्रकार से चोरी करता है या किस प्रकार से किसी को धमकी देता है, ठीक है। अब आप गए फिर दोबारा, ठीक है, आपने भी क्या किया, वैसे ही वेशभूषा रख के उसी व्यक्ति की तरह आपने क्या किया, उसको दोबारा से धमकी या वो की, तो क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को उठाया जाएगा। अब उस व्यक्ति विशेष द्वारा क्या किया जाएगा, वो वर्क नहीं किया गया, तो पुलिस क्या करेगी कि आपके काम को किसी ने कॉपी किया है, ठीक है, पुलिस क्या करेगी, दूसरे व्यक्ति की तलाश करेगी, और आप पकड़े गए अगर तो फिर भूल जाइए, क्या होगा, आप लोग अपने आप को भूल जाइए, क्योंकि पुलिस की एक बार जो पिटाई घल जाती है ना, तो उसको लाइफ टाइम इतना मतलब कहा जाए कि बहुत बुरी तरह से वो, एक तो जब छोटी सी चोरी से लेकर फिर वो सीधा बहुत बड़ा आतंकवादी टाइप मतलब मारते हैं कि जैसे ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो इसलिए कभी भी किसी प्रकार की गंदे वर्क या किसी चीज़ में मत फंसिए, ये आप लोग के करियर को क्या कर सकता है, डुबा सकता है। आप लोग को तभी कहते हैं किसी कॉपी मत कीजिए, किसी की कॉपी करोगे, अपराध अधिनियम आ गया है, कौन सा, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 आ गया, इसके तहत आपको क्या किया जाएगा, आपके द्वारा किसी दूसरे के अपराध को कॉपी किया गया है तो उसको क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, आपको नहीं उठाएगा फिर, आपको अगर अपराध सिद्ध हो गया तो आपको उठा लिया जाएगा, सिद्ध ऐसे होगा कि मतलब वो कहेगा भैया हम थे किया ही नहीं, फिर आपको वो ढूंढेगी कि कौन इसकी तरह सोचता है या कौन इसकी तरह काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। और सभी लोगों को एक सूचना जरूरी, कि अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर क्या प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। ठीक है, भारतीय जूडोका तुलिका नान, जूडो को तुलिका मान ने क्या किया, भारत के लिए रजत जीता। अब आप कहोगे कि सर ये रजत किस चीज़ में जीता, किन खेलों में क्या किया गया, इसको जीता गया, इनको जीता गया वार में, जाइए लिख देता हूँ, बाद में राष्ट्र मंडल खेलों में, किसमें, बार में, देख हम ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने में, बार में धम राष्ट्रीय मंडल खेलों में क्या किया गया, इन्होंने जूडो को तुतका, जो क्या एक भार उत्तर है, मतलब क्या करते हैं, भार उठाते, भार उत्तर सॉरी भार उत्तर नहीं भार उत्तोलक हैं, जो क्या करते हैं, भार को क्या करते हैं, उठाते, जिनमें क्या किया इन्होंने, भारत के लिए रजत जीता है। इन्होंने फाइनल में 78 किलो में, 78 kg में इनका वेट है, 78 kg में, kg फाइनल में ठीक है, क्या 78 kg फाइनल में स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की कौन है, सारा एडलिंगटन, को हराया, ठीक है, क्या किसको हराया, जो कहाँ की, स्कॉटलैंड की सारा एगलिंटन को क्या किया इन्होंने, हराया, और क्या किया, देश के लिए एक रजत को क्या किया इन्होंने, जीता, किसमें, बाद में राष्ट्रीय खेलों में क्या किया इन्होंने, एक रजत जीता। और इनके साथ ही गुरदीप सिंह ने क्या किया, गुरदीप सिंह ने क्या किया, 190 kg के
190 kg ये क्या है, संयुक्त वजन के साथ कांसा जीता। कितना, 190 kg के संयुक्त वजन के साथ क्या किया इन्होंने, कांसा जीता। और 109+kg फाइनल में है। और ये ठीक है, अभी पूरी तरह से खेल क्या हुए, समाप्त नहीं हुए। इसके तहत क्या किया गया, ये 109+kg फाइनल में, मतलब 109 kg की फाइनल में इनके साथ जो भी है और प्रतिद्वंदी होगा उसके साथ इनका खेल किया जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, एक और पदक क्या होगा इनके द्वारा जीता जाएगा अगर इनके द्वारा उस खिलाड़ी को हराया गया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ये बताइए, ठीक है, क्या आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी दी। ये होती है आज की डेट जिसमें क्या होता है, हम इसकी करंट अफेयर बताते हैं, ये होता है 6 अगस्त, ठीक है। तो इसके साथ ही हम सोचते हैं कि आप लोगों को क्या कर दिया जाए, एक और बता दी जाए, नहीं तो आप लोगों के सर आप थोड़ी सी नाइंसाफी करो, इतने दिनों बाद आए हो, एक एक्स्ट्रा बता दीजिए, संस्कृति मंत्रालय ने तीसरी कॉमिक जारी की, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया, तीसरी कॉमिक क्या की जारी की, इनके द्वारा क्या किया गया, तीसरी कॉमिक जारी की गई जिसके अंतर्गत 20 आदिवासी ठीक है, कितनी 20 आदिवासी स्वतंत्रता सैनियों की क्या है कहानियाँ हैं, ठीक है। इसमें सबसे बहादुर, आप भी बहादुर हो, ठीक है, क्या हो आप लोग भी, क्या हो बहादुर हो, पुरुषों महिलाओं की क्या है कहानियाँ हैं, के ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये सब तो ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ठीक है, कि ये है तो मगर ये किस चीज़ का हिस्सा है, ये है आज़ादी अमृत का वो हिस्सा, किसका, आज़ादी महोत्सव का हिस्सा, किसका, आज़ादी अमृत महोत्सव का क्या है ये एक हिस्सा है, जो कि क्या हो रहा है, एक राष्ट्र के रूप में एक शक्ति के रूप में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उभर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक शक्ति के रूप में क्या कर रहा है, लोगों के बीच उभर रहा है। तो स्टूडेंट आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक से लो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और अपने दोस्तों को भी क्या करेगा शेयर कीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए इसमें इतना ही, ठीक है स्टूडेंट।